हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, क्या थर्ड पार्टी को अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी? जी हाँ, क्या थर्ड पार्टी को अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी? ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिलेगी। चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। गाइस, पहला कार्ड ही आपके मतलब का नाइन ऑफ सोर्ड्स। क्या कहते हैं आप भी अपना गेस्ट कीजिए। सेकंड कार्ड फूल का, मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। थर्ड कार्ड डेविल का, दो कार्ड आ गए हैं मेजर अरकाना से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, हरमिट। ओह सॉरी, हरमिट का कार्ड नहीं है ये, फाइव ऑफ कप्स का। नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रिस्टेस आया आपका बॉटम का कार्ड। गाइस, यहाँ अगर हम साइन की बात करें तो यहाँ पे अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है। कुछ नंबर है जो मैं बोलने जा रही हूँ, हो सकता है आपके रिश्ते में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। नंबर 2 इम्पोर्टेंट है गाइस, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 15 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है और नंबर 14, यानी कि 13, 14, 15 तीनों नंबर इम्पोर्टेंट है, 11 नंबर भी इम्पोर्टेंट है और 10 भी इम्पोर्टेंट है। 9, 10, 11, 13, 14, 15 ये सब इम्पोर्टेंट है और 17 भी इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो यहाँ 9 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 5 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो रिपीटेड नंबरों में आते हैं। हो सकता है जैसे 9 नंबर एक बार रिपीट हुआ है तो 18 भी आपका इम्पोर्टेंट हो गया। तो जो हो सकता है इस डेट को आप लोगों का बर्थडे हो, या आपका कोई ऐसा स्पेशल दिन हो जो आपको मिस करते हो, या आप उनसे पहली बार मिले हो, या उन्होंने आपको कोई कमिटमेंट दिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि थर्ड पार्टी को क्या उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। तो गाइज, मैं ये बता दूं कि आप जो हो ना, पहले मैं आपका और आपके पार्टनर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि आप दोनों का जो रिश्ता है, यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन दर्शाया गया है। इस टाइम अगर मैं कहूँ तो आपकी एनर्जी है कि
कि आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो, आपके पास सारी सुख सुविधाएं सहूलतें हैं लेकिन कमी है लगती है, तो आप हर तरह से सेटिस्फाई हो लेकिन उस इंसान की कमी आपके दिल में खलल कर रही है। काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हो, दिनों और महीनों से नहीं, हो सकता है हफ्ते और दिन ना छोड़ के साल हो गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल वहाँ मिला हुआ है क्योंकि आपने उस रिश्ते में प्योरिटी दी है, लॉयल्टी दी है और उस रिश्ते में काफ़ी कुछ अपना सपोर्ट करी है, चाहे मेंटली, हेल्थली, फिजिकली, किसी की तरह भी सपोर्ट की है कि उस पर्सन को कोई दिक्कत ना हो। यानी कि ऐसी चीज़ें वही सपोर्ट करता है गाइस, जो सामने वाले से बहुत लगाव करता है, बहुत प्यार करता है, उसका मन होता है कि ये पर्सन कहीं मेरे से छूट ना जाए, जितना हो सके मैं दिल जीत लूँ ताकि मुझसे छोड़े ना। पर ये जो पर्सन होते हैं, शायद ज़्यादा प्यार किसी को हज़म नहीं होता, मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा लगाव किसी को हज़म नहीं होता। जो चीज़ ज़्यादा मिल जाती है, डिवाइन भी कहता है कि उसकी कदर जो कम हो जाती है, इसलिए हर चीज़ जो है एक ज़रूरत तक ही सही है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, ये थर्ड पार्टी के साथ है, तो थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। तो गाइस इस टाइम देखिए, जो थर्ड पार्टी है, आपको मैं फर्स्ट कार्ड की तरफ लेके जा रही हूँ, नाइन ऑफ सोर्ड्स की तरफ। ये थर्ड पार्टी जो है काफ़ी परेशान है, इसने आपके और आपके पर्सन के बीच में क्रॉस लगाया है। ये थर्ड पार्टी ने काफ़ी इन्वॉल्व रही है, प्यार से आपके पर्सन को काबू करके बाद में आपके और आपके पर्सन के रिश्ते में क्रॉस डलाया है। थोड़े आपके पर्सन जो है इमच्योर पर्सनैलिटी के हैं, इस चीज़ का थर्ड पार्टी ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है। तो अब ये थर्ड पार्टी नींद नहीं आती, परेशान है और इसका सब कुछ उड़ने वाला है, यानी सब कुछ खराब होने वाला है। पर्सन जो है रिश्ते के मामले में पहले इतने लापरवाह थे, इन्होंने अपने रिश्ते को कभी सीरियसली नहीं लिया। फैशनेबल पर्सनैलिटी वाले इंसान है लेकिन अपनी मनमर्जी करके आगे बढ़ने वाले इंसान है, जो सब कुछ होते हुए भी अपना गवा बैठते हैं। इसीलिए इन्होंने आप जैसे अच्छे इंसान को खो दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके खोने के बाद ये पर्सन सुखी नहीं है, ये पर्सन बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, अपनी पास्ट की चीज़ों में खोए हुए हैं। इनको लगता है सब कुछ गिर गया, काफ़ी गिल्ट है इनको आपके साथ की हुई गलतियों का, काफ़ी गिल्ट है और काफ़ी पछतावा है। और ये देखिए, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि जो आज तक सीरियस नहीं है, जब आपके रिश्ते के में थे तब भी इन पर्सन का ऐसा ही था कि वक्त देखा जाएगा जैसा आएगा, अभी अपना प्रेजेंट में जियो और खुश होकर जियो। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है वो एक अट्रैक्शन का, एक खिंचाव का रिश्ता है। हो सकता है, ये कार्ड ये भी बताता है, डेविल का कार्ड, कि आपके पर्सन के ऊपर ऐसी कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ की है जिसकी वजह से पर्सन जो है आप थर्ड पार्टी की तरफ खिंचे हुए जा रहे हैं। आपके, मैं अगर बताऊं कि थर्ड पार्टी के पास सिर्फ नेगेटिव है, नेगेटिविटी है, गुस्सा है और बात बात पे रूठना, बात बात पे वो करना, इसको लगता है अच्छा कोई होता है शांत के माहौल में रहने वाला, यहाँ ये नहीं है। अगर इनकी फैमिली है तो फैमिली में काफ़ी नेगेटिविटी भरी हुई है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आके आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, हील करते हैं, आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं, डिवाइन से मैनिफेस्ट करते हैं, हील कर रहे हैं, अपने रिश्ते को बैलेंस बना रहे हैं और घंटों घंटों आपको स्टोक करते हैं। ये फाइव ऑफ, ये हेरोफेंट का कार्ड बताता है कि रिश्ते में जो टेंशनें थी, जो तनाव था, जो दिक्कतें थी, वो ख़त्म होने वाली है और रिश्ता दोबारा सिरे चढ़ने वाला है, बंद चाबियां अब खुलने वाले हैं, बंद ताले। और व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में अब दोबारा आएंगे,
जो वक्त आपकी लाइफ में अब आगे आने वाला है, यानी कि इन फ्यूचर, वो पुरानी चीज़ों को भूल जाइए, आगे बहुत अच्छा आने वाला है। तो थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। तो गाइज, थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में दरार डाली है। हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ हो। बॉटम में आया हाई प्रिस्टेस। थर्ड पार्टी चतुर है, चालाक है, दुखी है। उसको अपने कर्मों की सज़ा मिलनी मिलनी है, क्योंकि उसने अंदर से अंदर खेल चलाया है। ये कार्ड ये भी बताता है कि ये थर्ड पार्टी के ऊपर भी बताता है कि ये थर्ड पार्टी आगे बहुत परेशान रहने वाली है, बहुत दुखी रहने वाली है। जो चीज़ें उसने आपको दी है रिश्ते में, जो प्यार मोहब्बत आपका खोया है, उससे फिर वंचित रहने वाली है। उसके पास नेगेटिविटी की कमी नहीं, षड्यंत्रों की कमी नहीं, पॉलिटिक्स की कमी नहीं, कमी है तो इंसानियत की और प्यार मोहब्बत की। तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी को ये डेविल का कनेक्शन जो है, ये बताता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता एक कार्मिक कनेक्शन है। और ये भी हो सकता है कि ब्लैक मैजिक जैसा कुछ कर रखा है, पर्सन उसकी तरफ जाते जा रहे हैं। कोई इमोशनल सेटिंग नहीं है इनकी, कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है इनकी। आने वाले टाइम यानी कि इन फ्यूचर में पर्सन हील होके आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, और थर्ड पार्टी का रोना उम्र भर का पड़ने वाला है। बहुत गलतियों में ये पछतावा भी करेगी, हो सकता है वक्त के साथ सुधर भी जाए, लेकिन आके उनको कर्मों की सज़ा मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। ये बताता है कि आपका आने वाला टाइम जो है आपका अच्छा आने वाला है। और ये जो कोनों में चार चीज़ें हैं, ये कर्मों की सज़ा बताते हैं जिन्होंने खराब कर्म करे हैं। तो चलिए देखते हैं। क्या पर्सन एक्शन लेंगे, या थर्ड पार्टी के कर्मों की सजा से देखते हैं कि थर्ड पार्टी के कर्म जो है, कब तक पर्सन एक्शन लेंगे, ये देखते हैं। गाइज, आप फोन कॉल, उनकी चीज़ों का, उनके एक्शन का, उनके प्यार मोहब्बत का, उनकी प्यारी बातों का वेट कर रहे हो। और ये पर्सन डिवाइन के ऊपर भरोसा रख के, ईश्वर के ऊपर, नाम सारी ईश्वर के ऊपर इन्होंने डाल दिया है। अच्छे हैं लेकिन आज भी कंफ्यूज हैं। तो ये कब तक आपके आगे एक्शन लेंगे, तीन महीने से लेके 12 महीने तक, या 9 मंथ में, सितंबर मंथ में ये आपकी तरफ आते हुए दिखेंगे, आपकी ज़रूरतें पूरी करते हुए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। लीजिए, दो एडवाइस के कार्ड आए हैं आपके लिए, हम दोनों ही आपके साथ शेयर करेंगे। गाइज, एडवाइस कार्ड आपके लिए, ये पहला कार्ड ये है कि ये बता रहे कि आप रिश्ते की ग्रोथ के लिए सोच रहे हो, और आपका ध्यान जो है रिश्ते की तरफ लगा हुआ है। तो अगर ग्रोथ के लिए सोच रहे हो, तो आपको जीवन शैली में फ़र्क लाना पड़ेगा, अपनी उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा जो इस रिश्ते की वजह से रुकी पड़ी है। और कभी भी नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में जो रिश्ते में हैं वो नहीं करने। और दूसरा ये है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आएगा, और तो आपको लगेगा कि ये इमोशनल सेटलमेंट है, ये इंसान पछतावे के साथ आया है। अगर बड़े प्यार से आपके करीब आता है, तो आपने इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेना है। हो सकता है ये पर्सन जो है आपके रिलेटिव में हो, कोई रिश्तेदारी में हो, या कॉलेज, स्कूल, कहीं भी, किसी भी
तरह के फ्रेंड हो, जब ये आपके पास आएंगे तो आप अंदर से चाहे टूटे हो, आपका चेहरा खिलखिलाता हुआ दिख रहा है। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका घर बस जाएगा, आपकी मन की मुरादें जो हैं पूरी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना है, पॉजिटिव रहना है। अगर वो पर्सन आता है तो आपने ये नहीं सोचना कि इसको भगाना है या इसके पुरानी बातें छेड़नी है, न्यू सिरे से अपनी लाइफ को शुरू करने की कोशिश करनी है। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था क्या थर्ड पार्टी को कर्मों की सजा मिलेगी। जी गाइस, थर्ड पार्टी छुपी रुस्तम है, मीठी छुरी चलाती है, प्यार से सामने वाले को अपने तरफ में करती है, काबू करती है, तो उसको सजा क्यों नहीं मिलेगी आपके पर्सन के साथ जो उसका रिश्ता है। अब आगे उसने रोना ही रोना है। फर्स्ट कार्ड ही हमारा ये आ गया है जो ये बताता है कि थर्ड पार्टी के आंखों में आंसू गिरने हैं बुरी तरह। तो आपको वीडियो पसंद आई हो कीजिए लाइक शेयर कमेंट, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन तो आपने जरूर ही प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।